हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जून टर्म एंड एग्जामिनेशन आपके जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से अपने एग्जामिनेशन में आंसर शीट का फ्रंट पेज फिलअप करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है जो इग्नू की तरफ से भी आप सभी स्टूडेंट्स को दी गई है। सो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से आपको अपने आंसर शीट का फ्रंट पेज फिलअप करना है, कौन सी गलती करने से आपको बचना है। मेक श्योर आप वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको समय समय पर चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए चूज कर सकते हैं बेस्ट हेल्प बुक gulibaba.com से। मेन्यू बार में आपको ऑप्शन नजर आएगा हेल्प बुक का, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो सभी डिग्री प्रोग्राम्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। सो आप वहां से अपने प्रोग्राम की बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर साथ में देखने को मिलेंगे। सो आपकी एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं होगी, एक बुक से ही आप अपने एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन में फ्रंट पेज को किस तरह से फिलअप करना है। सो उसके लिए जब आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं तो इग्नू की तरफ से फ्रेंड्स आपको बता दिया गया है कि आपको किस तरह से आंसर शीट का जो फ्रंट पेज है वो फिलअप करना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी। सो वन बाय वन हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर वन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इग्नू में 9 and 10 डिजिट के एनरोलमेंट नंबर है। सो अगर आपका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है तो आपको कोई इशू नहीं है, आप हर एक बॉक्स में एक एक डिजिट फिल करेंगे और अपना एनरोलमेंट नंबर लिख देंगे। बट अगर आपका जो एनरोलमेंट नंबर है 9 डिजिट का है तो आपको ध्यान रखना है जो लास्ट बॉक्स है उसे आप खाली छोड़ेंगे या फिर वहां पर आप इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है एनरोलमेंट नंबर जब आप फिलअप करेंगे तो आपको जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट बॉक्स है, उसे खाली नहीं छोड़ना, जो लास्ट बॉक्स है उसे आपको क्रॉस मार्क करना है। सो आई होप अब आपको ये समझ आ गया कि 9 डिजिट का जो एनरोलमेंट नंबर है उसे किस तरह से फिलअप करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो में आंसर शीट का ओरिजिनल फ्रंट पेज भी शो करने वाली हूँ जो आप फिलअप करेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस रीड कर बता रही हूँ। सो आप वीडियो में जरूर बने रहें, पूरी वीडियो देखें। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इग्नू की तरफ से बताया गया है, प्लीज नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द मेन आंसर शीट नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड, देयरफॉर कैंडिडेट शुड राइट इन ईच लाइन एंड नॉट लीव ब्लैंक पेजेस। सो इग्नू की तरफ से जो आपको आंसर शीट दी जाती है उसमें इनफ पेजेस होते हैं, आपको जो भी आंसर लिखना है उसी आंसर शीट में लिखना है, तो आपको कोई भी पेज वेस्ट नहीं करना, कोई भी पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है अटेंडेंस को लेकर। फ्रेंड्स, जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तब आपको अटेंडेंस शीट पर भी साइन करने जरूरी है। अगर आप अपने अटेंडेंस शीट पर साइन नहीं करेंगे तो आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा और आपकी आंसर शीट सबमिट करने के बाद भी आपको एब्सेंट ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट टू द इनविजिलेटर द कैंडिडेट शुड चेक दैट हिज एंड हर सिग्नेचर, द इनविजिलेटर सिग्नेचर एंड द एग्जामिनेशन सेंटर स्टैम्प इज अफिक्स्ड एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। इसका मतलब है आपके सिग्नेचर, इनविजिलेटर के सिग्नेचर और एग्जामिनेशन सेंटर की एक स्टैम्प होती है, वो जो कॉलम्स तीनों के बने हुए हैं वो वहां पर होने चाहिए। अगर वो नहीं है देन मेक श्योर कि आप इनविजिलेटर से कहें वहां सिग्नेचर करने के लिए और स्टैम्प लगाने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर शीट भी शो करने वाली हूं, बट उससे पहले आप पॉइंट्स को समझिए। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इग्नू की तरफ से आपको बताया गया है, एग्जामिनीज शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्जाम सेंटर एक्सेप्ट द वेन्यू मेंशन इन द एडमिट कार्ड। सो जो मेंशन किया गया है आपको वेन्यू एडमिट कार्ड में, आप वहीं पर ही एग्जाम दे सकते हैं, उसके अलावा आपको कहीं एग्जामिनेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये पॉइंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इग्नू की तरफ से ऑल ऑफ सडन एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिया जाता है, तो आपको दोबारा से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना है और फिर से आपको अपने फोटो पेस्ट करनी है। अगर उस पे फोटो अवेलेबल नहीं है और आपको वही लेकर जाना है, वही वैलिड होगा जो नया हॉल टिकट आप डाउनलोड करेंगे। सो चैनल के साथ जरूर बने रहें, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो हम आपको जरूर नोटिफाई करते हैं। अब ये सभी पॉइंट समझने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको शो करने वाली हूँ आंसर शीट का फ्रंट पेज। इसी तरह से सेम आपका भी आंसर शीट का फ्रंट पेज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ है और जो पेज आपके आंसर शीट में होगा वो सेम इसी तरह से होगा। ये ओरिजिनल मैं आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम्स एंड रोज बने हुए हैं वहां पर आपके जो आंसर्स के मार्क्स होंगे वो यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे और राइट साइड पर आप देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर है सबसे पहला ऑप्शन, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर आपका 9 डिजिट का है तो स्टार्टिंग के 9 बॉक्सेस में लिखिए, लास्ट में क्रॉस कर दीजिए। अगर 10 डिजिट का है तो 1 ईच आपको डिजिट लिखनी है। उसके बाद अनुक्रमांक संख्या में
शब्दों में। तो यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है, जैसे यहाँ पर टू है तो यहाँ पर आपको टू लिखना है शब्दों में, ठीक है। या तो आप दो लिखेंगे हिंदी में या फिर इंग्लिश में टू लिखेंगे। परीक्षा केंद्र कोड, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर कोड लिखना है जो आपके हॉल टिकट पर ही अवेलेबल होता है। डे एंड डेट आपको लिखनी है, प्रोग्राम कोड लिखना है, कोर्स कोड लिखना है, उसके बाद आपको कोर्स टाइटल लिखना है, विषय, एंड उसके बाद आपको मेंशन करना है मीडियम। मीडियम के रिगार्डिंग भी स्टूडेंट्स की बहुत सी क्वेरीज होती है। सो फ्रेंड्स, आप मीडियम कोई भी चूज कर सकते हैं, बट वो मीडियम अवेलेबल होना चाहिए। हिंदी का पेपर इंग्लिश में नहीं दे सकते, इंग्लिश का पेपर हिंदी में नहीं दे सकते, आई गेस ये सभी समझते हैं। सो लैंग्वेज के अलावा अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है तो आप इसको क्वेश्चन पेपर में देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर में वो दोनों मीडियम में क्वेश्चन अवेलेबल है तो आप किसी भी मीडियम में अपना एग्जाम दे सकते हैं। आपने किस मीडियम में अपने प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर देखिए आप परीक्षार्थी के सिग्नेचर, निरीक्षक के सिग्नेचर और ये स्टैम्प, इसी की बात हम कर रहे हैं। और यहीं पर इग्नू ने इसी को ही मेंशन किया है कि ये तीनों चीजें होनी जरूरी है, अदरवाइज आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। और अटेंडेंस शीट में भी अपने सिग्नेचर करना मत भूलिएगा। सो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए इसको जानना जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इग्नू में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एग्जामिनेशन में अपियर करने वाले हैं, पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें जरूर हेल्प मिलेगी। सो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।